हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं हूँ अनु और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत हो रहा है अभिनंदन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का, एकदम फटाफट से बनाने के लिए। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा समझो और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके बनाओ, ठीक है? खुद से। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में। अब तक तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने सॉल्व किया सारे क्वेश्चन को, और अभी मैं क्वेश्चन नंबर 11th को सॉल्व कर रही हूँ। क्लियर? तो मेरा क्या फंडा है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करना है, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे ध्यान देना है कि आखिर निकालना क्या है ये देखना है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? यही मेरा फंडा है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो मैं आपको समझा दूंगी फिगर को ही, ताकि आप खुद से सॉल्व करो, क्योंकि ये मैंने बोला था आपको कि आप, मैं इस तरह से बताना चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करती हूँ। क्वेश्चन में क्या है, एक नहर के एक तट पर एक नहर ड्रॉ करना है। सपोज ये नहर है, क्लियर? एक नहर है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। चलिए टावर बनाते हैं। सपोज ये टीवी टावर है, क्लियर? ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु, ये नहर है, इसका तट कौन कौन सा है, कि ये तट एक ये तट, तो जस्ट टावर के सामने वाले दूसरे तट पर से एक बिंदु ले लिया हमने। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, देखो ये बिंदु है, दूसरे तट है, यहां से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री हो गया। अब क्या है भाई, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर। तो फिगर कुछ इस प्रकार है, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पे अन्य बिंदु हो गया, अन्य बिंदु से टावर, ये है टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्लियर? देखिए आकृति 9.12 में, ये आकृति 9.12 में दिया गया है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखो ये, सॉरी, ये टावर की हाइट है, इसको हम लेट कर लेते हैं 1 मीटर। इसको हमको निकालना है कि टावर की हाइट क्या होगी, और नहर तो ये था, तो ये नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना है, ये भी नहीं पता है, तो इसको y मीटर मान लेते हैं। क्लियर? अब देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दो, ये हमको पता नहीं है और ये भी पता नहीं है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा का, तो ट्रायंगल इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और यहाँ पे डी। तो ट्रायंगल ए बी डी में, सबसे पहले ए बी डी में चलेंगे, तो ए बी अपॉन बी डी, लंब बटा आधार, तो ये थीटा वन क्या हो जाएगा 60 डिग्री और थीटा टू 30 डिग्री, तो लंब बटा आधार किसका होता है, टैन थीटा का, तो टैन थीटा हो जाएगा टैन 60 डिग्री। उसी तरह एक्स और वाई का एक इक्वेशन होगा, तो इक्वेशन लिख लेंगे। फिर उसके बाद ट्रायंगल एबीसी में चलेंगे, एबीसी में चलने के बाद ये भी लंब बटा आधार हो जाएगा, तो आधार इसका क्या हो जाएगा, ये पूरा बीसी हो जाएगा, क्या
बीसी पूरा क्या हो जाएगा देखो आप, बी कितना है, ये कितना है हमारा 20 मीटर और ये वाई मीटर, तो पूरा बीसी क्या हो जाएगा, वाई प्लस 20 या 20 प्लस 5 मीटर, ये हो जाएगा पूरा। तो ये लंब बटा आधार ये भी हो जाएगा, तो लंब बटा आधार में ये वाले को पुट करेंगे और थीटा क्या हो जाएगा, टैन 30 डिग्री। उसके बाद ये इक्वेशन आएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम सॉल्व कर लेंगे एक्स और वाई का वैल्यू। एक्स का वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा, टावर की हाइट, और वाई का वैल्यू आएगा वो नहर की चौड़ाई। चलो अब मैं पेन और कॉपी पे आपको बताती हूँ, फिगर तो आप अच्छे समझ लिए होगे आई होप। चलो मैं कंफर्म हो जाऊं ना आप फिगर समझ लिए हो। चलो थैंक यू। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो जो दिया गया है वो गिवन करेंगे। देखो ये रहा क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हमने फिगर कुछ इस प्रकार था, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमने बोला था वो हमने यहाँ पे लिख डाला है, क्लियर। ये 20 मीटर है, नेमिंग किया है हमने ए बी सी और डी। अब ट्रायंगल किस में चल रहा है, ए बी सी में, ए बी और सी में। तो इस ट्रायंगल पे हमें लंब बटा आधार हम जिस प्रकार बताया उसी प्रकार लिखना भी है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टैन 60 डिग्री, क्लियर। ए बी क्या है, कुछ नहीं तो एक्स मीटर हमने लेट किया है, जो ऊपर में मैंने लिखा है ए बी इज इक्वल टू एक्स, बी सी इज इक्वल टू वाई, हमने जो बोला सारा कुछ लिख डाला, क्लियर कट। बी सी इज इक्वल टू क्या है, वाई इज इक्वल टू टैन 60 का वैल्यू होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक स्टेप में चीट कर लेती हूँ, क्या √3y हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो √3y को अंदर ले लेते हैं, माइनस √3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, एनी डाउट, चलो बढ़िया है। अब क्या चलेंगे करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल किस में, ए बी डी में, ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू लंब बटा आधार किसका होता है, टैन थीटा का, टैन तो लास्ट सेकेंड थीटा क्या है 30 डिग्री। ए बी क्या है, एक्स, और बी डी क्या है भैया, बी डी, बी डी क्या है 20 प्लस y या y प्लस 20, तो 20 प्लस y, 20 प्लस y इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3x इज इक्वल टू 20 प्लस y, √3x ये माइनस y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से चलते हैं, ये देख लिया आपने, थोड़ा तिरछा भाग रहा है। इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से थोड़ा आप लैंग्वेज सुधार लेना, मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों करते रही हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस √3y इज इक्वल टू 0, सेकंड क्या है √3x माइनस
इज इक्वल टू 20। अब देखो यहाँ पे रूट थ्री एक इसको इक्वली करते हैं, होता है ना, रूट थ्री और वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री एक्स माइनस ये हो जाएगा थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो और ये वन हो जाएगा रूट थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इक्वेशन सेकेंड विलोपन विधि का हमने यूज किया है, ये कैंसिल हो गया माइनस थ्री वाई और प्लस वन वाई क्या हो जाएगा माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस 20। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, माइनस से माइनस कैंसिल वाई इज इक्वल टू 10। अब वाई का मान अगेन वाई का मान समीकरण एक में रखने पर एक्स का वैल्यू निकल आएगा ना, समीकरण एक क्या था एक्स माइनस रूट थ्री थ्री वाई, तो इसको हम एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री वाई लिख सकते हैं, रूट थ्री और वाई का वैल्यू क्या है 10, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया 10 रूट एक्स। हमने क्या माना था, टीवी टावर की हाइट को एक्स माना था, तो एक्स का वैल्यू क्या आया 10 रूट थ्री, और वाई हमने क्या माना था नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई क्या आई 10 मीटर। तो हम लिखेंगे अतः टीवी टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू ऊंचाई एक्स माने थे ना एक्स इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर और क्या माने थे नहर की चौड़ाई वाई इज इक्वल टू 10 मीटर। फुल्ली आंसर ये बन गया, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे ये भवन है, ठीक है, ये भवन है जो कि 7 मीटर ऊंचा है, भवन के शिखर से, शिखर ये हो गया भवन का, एक केवल टावर के शिखर, टावर इस साइड एक टावर होगा लेकिन उसके शिखर को ही बोल रहा है, शिखर से शिखर को, तो शिखर तो इससे ऊंचा ही होगा, शिखर हमने ये बनाया, का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, जो बन रहा है यहाँ पे उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, पाद बिंदु टावर के पाद बिंदु ये हो गया, उसका अवनमन कोण 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना एकदम आसान है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना ये देखो भवन है, भवन के हाइट तक तो ये जाएगा, टावर यहाँ तक तो 7 मीटर ही होगा, हमको निकालना है तो सिर्फ ये ही ना, ये निकालना है, ये निकाल के और इसको जोड़ देंगे तो पूरा टावर का हाइट निकल आएगा, तो ये निकालना है हमको, तो इसको हमने एक्स माना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना कि लंब और आधार से एक ये ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, लंब और आधार से इसका निकाल लेंगे, इसको सपोज कर लेते हैं वाई, वाई मीटर, भवन के पाद बिंदु और टावर के पाद बिंदु की बीच की डिस्टेंस वाई मीटर, ये ट्रायंगल से वाई वाला एक इक्वेशन निकलेगा और फिर ट्रायंगल ये वाले में चलते हैं, तो ट्रायंगल ये वाले से इसको एक्स है और ये नीचे ये वाई, तो ये भी वाई, जितना ये मीटर होगा डिस्टेंस उतना ही यहाँ भी होगा, ऊपर में तो बड़ा छोटा नहीं होगा, तो ये भी वाई हो गया, तो ये ट्रायंगल से वाई एक्स और वाई वाला इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर दो इक्वेशन आएंगे, दो इक्वेशन आने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई का वैल्यू आ गया, तो एक हमने क्या सपोज करा टावर, टावर की हाइट और वाई दोनों के बीच के डिस्टेंस, तो निकल आएगा ना
क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, ईसी, ईसी इज इक्वल टू 7 मीटर। और क्या दिया गया है, थीटा वन और थीटा टू कर लेते हैं, ठीक है। थीटा वन क्या दिया गया, 60 डिग्री, और थीटा टू 45 डिग्री। और कुछ भी तो नहीं दिया गया, निकालना क्या है, ए बी टावर की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू, पता नहीं, यही तो निकालना है। तो अभी चलते हैं कहां से, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, इसी ट्रायंगल में चलते हैं। लंब बटा आधार, ए डी बटा डी, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा, टेन सिक्सटी, थीटा क्या है, टेन 60 डिग्री, 60 डिग्री हमने लिखा। AD क्या है, X और डी वाई, और इस टेन सिक्स पीन सॉरी खत्म हो गया, X अपॉन वाई रूट 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स माइनस वाई बात हो गई, रूट 3 y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह त्रिभुज किस में चलेंगे, ई सी बी में या बी सी ई में, बी सी ई में, लंब बटा आधार ई सी बटा बी सी, टेन 45 डिग्री, थीटा टू क्या था, 45 डिग्री। ई सी क्या है, 7, और बी सी क्या है, वाई, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आता है, वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 y का मान समीकरण 1 में पुट करते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस रूट 3 y, x माइनस रूट 3 y इज इक्वल टू 0। इसको और क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू रूट 3, y का वैल्यू 7 है, तो क्या हो जाएगा, 7 रूट 3। ये आया x का वैल्यू, x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आओ, y भी निकला है, x भी निकला है, बट हमें आप पूछ रहा था टावर की हाइट, टावर की हाइट ये टोटल है ना, तो ये 7 है और ये आया क्या, 7 रूट 3, तो 7 प्लस 7 रूट 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टावर की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी, ए डी क्या है, एक्स का वैल्यू 7 रूट 3 प्लस बी डी क्या है, 7,
मीटर, इसमें क्या 7 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा √3 + 1 मीटर आंसर। टावर की ऊंचाई 7 × √3 + 1 क्लियर है, आसान लगा आपको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं, तो वो नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन दबा कर ही जाए और कमेंट करें कैसा है मेरी छोटी सी ट्रायल है, कैसा है, मुझे और क्या इम्प्रूव करना है, क्या क्या कमी है, वो आप लोग कमेंट में प्लीज करके हमें बताएं, अच्छा लगेगा जो भी हो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर कर जरूर से ज़रूर करें और लाइक कमेंट तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबा कर जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।